झांसी स्थित श्री दिगंबर जैन जीवदया तीर्थ क्षेत्र बरुआ सागर में 19 मई को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का 51वां समाधि दिवस मनाया गया। निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्तों ने गुरु भक्ति का आनंद उठाया। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 19 मई को श्री दिगंबर जैन जीवोदय तीर्थ क्षेत्र बरुआ सागर में चारित्र चक्रवर्ती महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का 51वां समाधि दिवस मनाया गया। समारोह का शुभारंभ चित्रा अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जले जले जैन धर्म की ज्योत जले 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 जैन धर्म की ज्योत जले। अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के विद्वानों की उपस्थिति में यह आयोजन हुआ, जिसमें गुरु भक्तों ने मुनिश्री के सानिध्य में सहभागिता करते हुए सर्वप्रथम मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया। इस दौरान स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने मुनिश्री के दर्शन किए, जिसके बाद भक्तों ने गुरु पूजन करते हुए अर्घ्य अर्पित किए। परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्या सागर महेंद्राय ज्ञान सागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामति स्वाहा। समारोह के दौरान मुनिश्री ने भक्तों को दिव्य देशना देते हुए पुण्य और पाप कर्मों के भावों को स्पष्ट किया और इस सृष्टि को शुभ अशुभ में बदलने की शक्ति रखता है। चाहे तो इस सृष्टि को पापमय बना दे, चाहे तो इस सृष्टि को पुण्यमय बना दे। ये सृष्टि प्रकृति जीव के पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। जीव जब पुण्य का तबला बजाता है तो इस सृष्टि प्रकृति पुण्यमय हो जाती है, और जब ये सृष्टि में रहने वाले जीव पाप का तबला बजाते हैं तो सृष्टि पापमय हो जाती है, दुर्भिक्षमय हो जाती है, विनाशकारी हो जाती है। जीव के लिए एक बहुत बड़ा उत्तरदायक पूरी सृष्टि का रिमोट कंट्रोलर बनाया। महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के 51वें समाधि दिवस के उपलक्ष्य में भक्तों ने गुरु भक्ति की भावना भाते हुए समारोह में सहभागिता की। जैन फोकस के लिए बरुआ सागर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री ज्ञान सागर जी महेंद्राय अष्टकम बिंदु चुनाय धूपम निर्विपामिते स्वाहा।